नमस्कार दोस्तों, केकेआर की भट्टी में मुंबई जलकर हुई राख। केकेआर की इस आईपीएल में मुंबई के खिलाफ दूसरी जीत। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हो केकेआर बनाम एमआई का पूरा वीडियो हाइलाइट्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। आईपीएल 2024 का 60वां महामुकाबला कोलकाता और मुंबई के बीच कोलकाता में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो गलत साबित हुआ। बारिश होने के कारण मैच समय अनुसार शुरू न हो सका। केकेआर की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर मुंबई के बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें फिल सॉल्ट और सुनील नारायण का बल्ला खामोश रहा। नारायण बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे वेंकटेश अय्यर का ऐसा तूफान आया कि एमआई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और 21 गेंदों में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नीतीश राणा ने 33 रन, आंद्रे रसल ने 24 रन, रिंकू सिंह ने 20 रन और रमनदीप सिंह ने 17 रनों का योगदान दिया। बुमराह और चावला को 2-2 विकेट मिले। टारगेट को चेज करने उतर करते हुए मुंबई की शुरुआत शानदार रही। पावर प्ले में ही 59 रन बना डाले। मुंबई की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ईशान किशन ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। रोहित सूर्या, हार्दिक और टिम डेविड का बल्ला एक बार फिर से खामोश रहा। तिलक वर्मा ने 17 गेंद में 32 और नमनधीर ने 6 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल ने 2-2 विकेट चटकाए। इस तरह से मुंबई ने 16 ओवर में मात्र 139 रन 8 विकेट खोकर बनाए और मुंबई को 18 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।